खड़ा हुआ है ना संजय दत्त, मुझे काफ़ी साल हो गए हैं, मेरे ख्याल में कहना तो नहीं चाहिए पर ऑलमोस्ट कितने साल हो गए राजू, 30-40 तो हो गए होंगे, ऐसा मेरे को ना कोई मिला है ना कोई मिलेगा और पॉसिबल ही नहीं है ऐसा कोई आदमी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग है और मैं एक्चुअली इसको इतने सालों से जानता हूँ लेकिन मैं इसको अब जानने लगा जब राजू ने कहानी इसकी सुनानी शुरू की। तो ये क्या है ये आदमी, इसको आप समझ ही नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि वी हैव नॉट हैड ए आई हैवन मेट अ मैन। संजू मेरे फिल्म करियर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। मैंने अब तक 4 ही फिल्में बनाई हैं, उसमें से 3 में संजू है, 5वीं बना रहा हूँ जो संजू के ऊपर है। इससे ज़्यादा संजू मेरे जीवन का कोई हिस्सा हो नहीं सकता। ही इज इंस्पायर्ड मी, आई एम ही डिड मुन्ना भाई एंड द वे ही डिड इट मेड दैट फिल्म ग्रेट एंड आई वुडंट हैव बीन व्हाट आई एम बिकॉज विदाउट संजू। इट्स अमेजिंग टू सी संजू सो बैक ऑन स्क्रीन। आई थिंक दिस इज हिज फर्स्ट release after his release, and like Raju sir said, we all have missed you so much, and when we see you on screen it is magical, you know, something happens deep within. I think like all of us out here, I'm such a huge admirer and fan of yours, Sanju sir, because I have had the good fortune of knowing you as a person. I've interacted with you since I was a child, so I know your heart, and I'm really happy and welcome back to the movies. I think we all missed you a lot. Recently, a lot of actresses as well, if you can see, Devi ji, Raveena ji, and you, you all have chosen a kind of a similar storyline where a protector, you know. So what is it about this storyline that is making everyone come back with this storyline, sir? Well, I know that they're similar and they're protectors, but a father protecting a daughter is something else. I mean, you have a father. He loves you the most. पिक्चर जो पहली आएगी, एक मैसेज हो, एक ढंग की पिक्चर हो, एक परफॉर्मेंस बेस्ड पिक्चर हो, एक पिक्चर जो मेरे बड़े भाई विनोद जी देख कर प्राउड हों, गाली नहीं दें, जो मेरी वाइफ देख के बोले कि बहुत अच्छी पिक्चर है, नहीं तो वो भी गाली दे देती है, और बाकी के जितने प्रिया भी गाली देती है, ओवन तो नहीं दे सकता बेचारा, लेकिन एक दो ड्रिंक के बाद मैं बोल सकता है। लेकिन ये सब डेंजरस लोग बैठे हैं यहाँ पे भी ये लोग भी, वो परेश जी भी हैं, पंटी वालियाल अपना बंसल साहब और बिट्टू, तो आई थिंक इसी वजह से मैंने बहुत सोच समझ के पिक्चर। संजू सर ने मैसेज किया कि ये लोग ट्रेलर लॉन्च पे आ जाओ, तो संजू मुझे एहसास हुआ अरे यार ये तो मेरा ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। फिर पीछे से एक दूसरे रणवीर ने मुझे टपड़ी दिया और कहा कि तुम कभी संजय तक बन नहीं सकते, जरा इतना फुटफो मत, संजू सर का ट्रेलर कौन सा आपको गुआ करते हैं। तो मैंने एक साल इनको एमुलेट करने की कोशिश की, प्रार्थना करता हूँ कि ठीक ठाक किया, क्योंकि इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नॉट जस्ट इन इंडस्ट्री बट इन द कंट्री, यू नो समथिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम हिज लाइफ, यू कैन टेक सो मच फ्रॉम हिज लाइफ। बट हाँ, जब मैं कभी सोचता हूँ बायोपिक के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, यही मेरे सोच में आता है कि ये साइंस फिक्शन फिल्म है, ये ड्रामेटिक या रोमांटिक फिल्म। Don't you think you are too young to be Aditi's father? Wow. Of course I'm young to be your father, but I'm just playing a character. You forget that? Manyata ji ne har pal har lamha mera saath diya hai aur hamesha dengi. Aur ek do aisi cheeze mujhe di hai jahan jo koi de nahi sakta, Ikra aur Shahram. Aur इनसे बिल्कुल एक चीज़ सीखने में मिली है, वो गुस्सा, तो वो मैंने पोर्ट्रे किया है शरद के ऊपर। एंड ऑल्सो देयर वर सम रिपोर्ट्स दैट रणवीर वाज ट्राइंग टू मीट हिम एंड मीट यू टू डू हिज रिसर्च, बट इट वाज डिफिकल्ट टू गेट इन टच रणवीर। इट विल टेक रणवीर 50 इयर्स टू डू रिसर्च ऑन मी। आई मीन यू नो ही इज बीन अ वेरी वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ माय लाइफ, not because of the biopic, it is because of him growing up and his family's relation with my family and stuff like that. And if I was scared. What will be shown in the biopic? I was not skeptical at all, because Raju, me and Abhijat sat for many, many hours and I laid the cards right out in front of them. I've got nothing to hide.
and I have never had nothing to answer. Sanjay, so there were reports that apparently Ranbir and Anurag Basu had approached you for Jagga Jasoos, and the role was eventually played by Nawazuddin Siddiqui. How true were they? Ranbir should answer this. I think every role that's written in the Hindi film industry first goes to him only. It passes through and then it filters down. Of course, you know, it was my first production, and it was a special appearance that we wanted to carry in the second part. And Basu, Dada and myself thought there was nobody better than Sanju sir. But Sanju sir very gladly, and the first time he heard it, he said, yeah, I'll do it. But there was some issue with, you know, the release of his first film and other stuff. But not this, maybe the next one. What your father says about your films or about people involved in your films, but objectively speaking, do you think that blaming the producer or blaming the director or music composer is right, is fair after a film flops? But you see, my father is a very emotional man. You know, I think whatever he said was to protect me in some way, where he was coming from. I don't necessarily agree with, you know, that he did that or that he, what he said. Like I said, Jagga Jasoos is something that we worked for 3.5 years. We all were aware of what we were doing and how it was being made. Sometimes you succeed, sometimes you fail. But I don't look at it as a failure, I look at it as a learning. I think it's given me a lot. The experience of working with Anurag Basu again and everybody involved in the project. So yeah, you know, I can't answer for somebody else, but I don't necessarily agree with everything else. My dearest Papa Dukes, it feels so nice to know that you've chosen to launch the trailer of Bhoomi on my birthday as a surprise. It gives me so much joy to know that you've chosen a film based on a father-daughter relationship as your comeback film as well. I'm really, really proud of you, Dad. You're stronger than you know, and I'm really blessed to be a part of you. I'll love you forever. Trishala.